फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं एक बार फिर से लखीमपुर रेलवे स्टेशन से। और आज आपके लिए मैं फिर से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आया हूं लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर। हम आप लोगों को दिखाएंगे कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो कितना हो गया है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर फाउंडेशन बनाने का जो काम है स्टेशन पर वो बखूबी किया जा रहा है। कुछ जगह मजबूत फाउंडेशन भी बना लिए गए हैं। मैं आगे आप लोगों को और जानकारी दूं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। बात अगर सीतापुर लखीमपुर के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए तो जो मास्ट हैं या पोल्स कहिए, उनको लगभग 99% तक लगा लिया गया है स्टेशन तक और स्टेशन के आउटर में भी। और बाकायदा हमने आपको इसका अपडेट भी दिखाया था कि लखीमपुर के आउटर तक जो पोल हैं वो लगा लिए गए हैं और गोला की दिशा में भी पोल्स लगाने का काम चल रहा है। और जहां तक संभावना यह है कि देवकली तक पोल्स लगाने का काम कर लिया गया है। तो यहां से देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है। बाकायदा ताज़ा फाउंडेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर फाउंडेशन बना लिए गए हैं। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब यहाँ पर ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा था और रेलवे वालों को भी मालूम था कि इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उसी समय फाउंडेशन बना लिए जाने चाहिए थे। तो इस तरह की यहाँ पर गंदगी और तोड़फोड़ और मशक्कत नहीं करनी पड़ती जो इस समय गंदगी स्टेशन पर मौजूद है इस समय। अब हम बात अगर सीतापुर रोजा या सीतापुर बुढ़वल की करें तो वहाँ पर जैसे कि डबलिंग का काम चल रहा है, तो डबलिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिस समय ट्रैक बिछाया जा रहा है तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी साथ लेकर चला जा सकता है। और अब हम यही चाहेंगे कि पीलीभीत मैलानी रूट पर भी अगर ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा है और स्टेशन पर भी, तो वहां पर अभी से ही ये काम कर लिए जाने चाहिए। जो फाउंडेशन है या क्रॉसबार लगाने के लिए जो फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं वो अभी से बना लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में मशक्कत कम हो, तोड़ा फाड़ी कम हो और स्टेशन पर गंदगी कम फैले, जिस तरह से यहाँ पर देखिए गंदगी का ढेर लग गया है। कि जब यहाँ पर गंदगी का ढेर लग गया है तो ये इसकी साफ सफाई तो होगी लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहेगी जो साफ सफाई इस समय है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालिएगा, देखिएगा, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर देखिए जो फर्श है वो तोड़ी जा रही, काफी मशक्कत आ रही है। इसके अलावा जो टीन शेड से जब क्रॉसबार हम ऊपर की ओर निकालेंगे तो ऊपर का टीन शेड का जो हिस्सा है उसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो काफ़ी डबल वाले काम, एक तरह से कई गुना काम और भी बढ़ जाएगा। तो ये काम पहले ही से कर लिए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में इतनी समस्या ना हो। मैं आप लोगों को लखीमपुर रेलवे स्टेशन का अपडेट उस दिन भी दूंगा जब यहाँ पर क्रॉसबार और वायरिंग का काम पूरी तरह से कर लिया जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम है लखीमपुर स्टेशन पर पूरा हो जाएगा तब दूंगा। तो यहाँ से देखिएगा, नज़र डाल लीजिएगा, ट्रैक नंबर 4 के किनारे पोल्स लगाने का काम कर लिया गया है, बकायदा 90 डिग्री पर भी सेट कर लिए गए हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो क्रॉसबार हैं वो केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के लिए ही लगाए जाएंगे। बाकी अगर आप लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण के काम की संरचना को समझना चाहते हैं तो खैराबाद रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखिए। ये देखिए क्रॉसबार यहाँ पर रखे हुए हैं बकायदा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा विद्युतीकरण का अपडेट लखीमपुर रेलवे स्टेशन से। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को एक स्पीड में आती हुई छोटी मालगाड़ी का व्यू दिखाते हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर से। लगभग 21 वैगन है इसमें जो बिना रुके लखीमपुर रेलवे स्टेशन को पार करती हुई निकल गई। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।